सो गाइस आ जाओ एक्सप्लोर करते हैं उदयपुर को। चीज है यार इधर, और लड़कियां बोलती है ना भाई हमसे ज्यादा ऑब्सेशन लड़कों को इससे होती, तो भाई मैं इससे। गाइस कैमरा तो अलाउड नहीं है पर जेब में रख लूंगा मैं, इससे ज्यादा होगा कुछ नहीं। भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक है यार, बहुत भाई गाड़ी यार नेक्स्ट लेवल लग रही है। देखो डी देवा ऑफिशियल करके किसी यूट्यूबर की है भाई। सो हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई मैं अभी गोप्रो सेट कर रहा हूं, मैं क्योंकि आज शाम को जा रहा हूं उदयपुर, और मेरी मम्मी फोकट चिल्ला रही मेरे पे भाई, मैं मम्मी को मोबाइल चलाना सिखा रहा हूं, मोबाइल चलाना नहीं आता है। सो गाइस ऐसा कुछ दिख रहा है, हम निकल चुके हैं। भाई तो अभी भी कितना टाइम हुआ है, 5:28 भाई, और अभी हम भी आधे रास्ते आए हैं क्योंकि भाई बीच में बहुत जगह बारिश आ गई थी। मैंने बोला था कि मैं रेनकोट ले लेता हूँ लेकिन बट नहीं, तो बोले कि नहीं लेना, अभी हम पेट्रोल फुल करवा रहे हैं बस यहाँ से और फिर निकलते हैं। भाई तो बस हम यहाँ से सैंडविच खा के फिर निकलते भाई, तभी जुकाम हो गया भाई इतना, वो मतलब मौसम ऐसा ही था, तो बस अब ये खाएंगे फिर चलते भाई टेस्ट करते। वैसे हालांकि मेरे को तो बेकार ही लग रहा है दूर से, ऊपर से डाल के और मेरे को कुछ लग नहीं रहा है इस सैंडविच में, तो टेस्ट करते। लो ये देखो खाली टमाटर है, अंदर ना मसाला है कुछ नहीं है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस, खाली हमने एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था और अभी हमने यहाँ पे खाना खाया, मतलब सैंडविच की नाश्ता करी थी खाली, तो बस अभी निकलते हैं। पर भाई इनको यार कितना भी दे दो ये नहीं मानते, चले भाई। यार इस ट्रैफिक में बहुत गुस्सा आता है यार, ये चीज बहुत बेकार लगती है मेरे को यार ट्रैफिक यार। हाँ हाँ होती है भाई, बिल्कुल होती है भाई। ये पीछे वाला बंदा मेरे को गलत शिक्षा दे रहा है भाई, ये बंदा बोल रहा है पैसा होगा तो यहाँ पे बहुत सारी बंदियां बनेगी, बट भाई उसके लिए पैसा होना चाहिए जो हमारे पास है ही नहीं, हम तो नल्ले हैं, हम पे तो है ही ना। और भाई यहाँ पे लगभग आज सारे एग्जाम वाले ही हैं जिनके भी सीईटी का एग्जाम है, अभी 3-4 दिन भाई नेक्स्ट लेवल यही चीज़ें चलेगी यहाँ पे। यार रे भाई यार ये तो ट्रैफिक है यार, इसी चीज़ के लिए भाई मेरे को प्रतापगढ़ खाली इसी चीज़ के लिए बढ़िया लगता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, वहाँ सबसे ज़्यादा यार भाई मेरा हाथ दुखने लगा ट्रैफिक में, कभी मैंने मतलब ऐसे ड्राइव ही नहीं किया यार इतना। तो प्रतापगढ़ में बचा गया नीमच नाका, मंसूर नाका, तालाब और ये सब चीज़ें हैं बस। और भाई आज यहाँ पे देखो यार स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ है, सब एग्ज़ाम वाले सारे। सो गाइस ये वाला एक हमारा रूम है, मतलब नॉर्मल सा रूम है, अच्छा खासा रूम है मतलब, बट थोड़ा सा महंगा मिल गया क्योंकि हम लेट हो गए थे, बट हाँ ज़्यादा महंगा भी नहीं भाई, 1000 रुपये नाइट में ठीक है मतलब। और हमको 12 बजे चेकआउट करना है तो मतलब बता दूँ, और तो क्या ये मेरे ये सब एक तो आते ही भाई हम रूम फैला देते हैं ठीक है, और हेलमेट पड़ा है और गोप्रो चार्ज लग रहा था अभी इसका, ये बैटरी रही उसकी चार्ज लगा रखी थी, और सब बिखेरा कर दिया मैंने, और बस 2 बैग है और ये रखने के लिए कपड़े वपड़े बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक कंबल एक्स्ट्रा मिल गया था और बस। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोमिल के पास, सो चलो आओ भाई यार, एक तो हेलमेट लगाऊंगा तो बाल बिगड़ जाएंगे यार।